और इससे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी देश के सबसे ज्यादा कुंठित, हताशा और निराश नेता, बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी खबर बड़ी जानकारी के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम शिवराज का बड़ा बयान देखने को मिला है। राहुल गांधी उपयुक्त नेता है, राहुल गांधी की देशभक्ति, राष्ट्र निष्ठा पर कहा गया है, देश में कोई उनकी सुन नहीं रहा। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है, हताशा और निराश नेता ये भी कहा है। तो बड़ा बयान अब देखने को मिला है, उन्होंने कहा कि उपयुक्त नेता हैं राहुल गांधी, राहुल गांधी की कोई नहीं सुनता है, राहुल गांधी की देशभक्ति, राष्ट्र निष्ठा पर ये बात सामने आ रही है, देश में कोई उनकी नहीं सुन रहा है। तो बड़ा हमला बोला है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर, तीखे हमले बोले हैं, तीखे शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कोई नहीं सुनता है देश में, उपयुक्त नेता है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां उन्होंने कहा कि देश में उनकी कोई नहीं सुन रहा है, राहुल गांधी देश के सबसे ज्यादा। राहुल गांधी देश के सबसे असफल, कुंठित, हताश और निराश नेता हैं। विदेशी धरती पर जाकर कोई देशभक्त नेता राहुल गांधी की तरह बयान नहीं देता, देश विरोधी बयान, केरोसिन छिड़क दिया है। अब देश में उनकी कोई सुनता नहीं है, इसलिए अपनी निराशा और हताशा विदेश में निकाल रहे हैं। ये बयान देके राहुल गांधी ने अपनी देशभक्ति और राष्ट्र निष्ठा। हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जी ब्रजेश, जिस तरीके से खबरें अब सामने आ रही हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा तीखे प्रहार किए गए हैं राहुल गांधी पर, क्या है पूरी जानकारी, वो आपसे जानना चाहेंगे ब्रजेश। सोनाली देखिए, पिछले दिनों राहुल गांधी जब यात्रा पर इंग्लैंड गए थे, तो वहां पर उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में, उस इंग्लैंड के इंटरव्यू में भारत की तुलना पाकिस्तान से की थी, और यही वजह है कि पूरा जो बीजेपी है, बीजेपी के तमाम लीडर है, वो इस बयान का लगातार विरोध दर्ज करा। सिंह चौहान उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अपरिपक्व नेता है, उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है, और यही वजह है कि देश में जब उनकी कोई सुन नहीं रहा तो वो विदेश जाकर बयान दे रहे हैं। और उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसे देश विरोधी बयानों से राहुल गांधी की राष्ट्रपति। जी 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 ब्रजेश आपको रोकना चाहेंगे इस समय। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हितेश भाजपा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जी हितेश जी, जिस तरीके से अभी खबरें सामने आ रही हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा हमला बोला है राहुल गांधी पर, आपकी क्या राय है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? नहीं देखिए, शिवराज जी बहुत परिपक्व नेता हैं और उन्होंने राहुल जी के पिताजी को भी राजनीति करते हुए देखा है, इंदिरा जी को भी राजनीति करते हुए देखा है, तो बहुत लंबे कालखंड के वो साक्षी रहे हैं। और आज उनकी हरकतों से राहुल जी की सभी परेशान है। देखिए आप सोचिए, उनके पास कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है, कहीं कोई शासकीय स्तर पे दौरा नहीं था, कोई किसी कैम्ब्रिज में जाके वो अपने चले गए घूमने फिरते हैं, वहां जाके सोचिए बोलते हैं भारत की तुलना पाकिस्तान से करते हैं। तो अब आप पाकिस्तान आप जान रहे ही खत्म हो रहा है, श्रीलंका कगार पे है, मतलब बुरी स्थितियों से ये देश गुजर रहे हैं, और यहाँ भारत एक सफलतम लोकतंत्र के रूप में चल रहा है 70 सालों से। मतलब ये कांग्रेस और भाजपा का विषय नहीं है केवल, भाई 55 साल तो उनकी भी सरकार रही है, पर हमने कभी ये नहीं कहा कि ये फेल्ड स्टेट है। लेकिन भारत को एक फेल्ड स्टेट कहना, पाकिस्तान से उसकी तुलना करना, चारों तरफ केरोसिन डाल दिया, अब आपको मालूम केरोसिन का उपयोग ही बंद हो गया है, तो अब उनको पता नहीं उनके दिमाग में केरोसिन किसने डाल दिया है, तो उनने वो केरोसिन ही डाल दिया, पूरे देश में केरोसिन डाला जा रहा है। तो ये बयान कहीं ना कहीं उनकी अपरिपक्वता को दर्शाते हैं, एक पॉलिटिकल इमेच्योरिटी को दर्शाते हैं। पर ये सब चीजें जब विदेश के पटल पर दिखाई देती हैं, वहां पर जाके बोलते तो और मजाक उड़ता है, वहां के लोग क्या सोचते होंगे कि यार किस प्रकार के नेता है जो कांग्रेस जैसी इतनी सीनियर पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं आज, तो क्या होगा इस कांग्रेस पार्टी का, तो लोगों को चिंता तो होती है ना।
तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी के बयान कब देश के विरुद्ध चले जाते हैं इसका उनको भी आइडिया नहीं रहता। सरकारों को आप क्रिटिसाइज करें समझ में आता है, जैसे आप बोले भाई मोदी सरकार कुछ कर रही है, मोदी सरकार ने काम ठीक नहीं किया, लेकिन भारत ऐसा हो गया है ये कहना दुस्साहस का काम है। और कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि उनकी जी हमारे साथ अब जेपी धनोपिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता जी, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो जिस तरीके से अब बयानबाजी अब तेज होती हुई नजर आ रही है और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर भी बड़ा हमला बोला है और कहा है कि देश में उनके कोई नहीं सुनता है, तो धनोपिया जी एक बड़ी बात है, क्या कुछ इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी, आपको आवाज पहुंच रही है हमारी? हाँ जी, हाँ बोलिए सोनल जी, बोलिए। हाँ जी 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 धनोपिया जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने राहुल गांधी पर तीखे हमले से वार किया, उन्होंने कहा है कि देश में राहुल गांधी की कोई नहीं सुनता है, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? शिवराज सिंह चौहान जी कौन सुनता है, घोषणावीर व्यक्ति मुख्यमंत्री हैं, बस मुख्यमंत्री पद पर इसलिए अपनी मीडिया का दुरुपयोग करके अपनी बात पहचानते रहते हैं, बताते रहते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, गायों को जला जा रहा है, लोगों को तोड़ा जा रहा है, चपाटे मार के झाटे मार के मारा जा रहा है, हत्याएं हो रही है, इन सब पर नहीं बोलते हैं आदरणीय शिवराज सिंह चौहान? इनको कौन सुनता है? ये आज की तारीख में सिर्फ राहुल गांधी का फोबिया है, कांग्रेस पार्टी का फोबिया है, क्योंकि कुर्सी की शक्ति नजर आ रही है। मुझे आशा इस बात का होता है राहुल गांधी ने क्या गलत बोला है। आज हालात आप बताइए कितने ज्यादा तनावपूर्ण है, प्रदेश के अंदर हालात कितने बिगड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश का प्रदेश के अंदर हालत खराब है, आज कहीं पर भी आपको शांति का वातावरण नहीं मिलेगा, हर जगह हताशा का वातावरण है, महंगाई चरम पर है, अत्याचार लगातार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, कौन सी घटनाएं नहीं हो रही है, इसको लेकर राहुल गांधी के नाम पर बोलकर घरेलू आदिवासी बाहर है बाहर आते रहे, इससे कोई नहीं होता, जनता जानती है कि देश में अशांति का वातावरण है, हमेशा निःशुल्क एक तनाव का वातावरण है, कभी जब देखो तो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का काम करती रहती भारतीय जनता पार्टी, इन सब बातों को ध्यान नहीं जाता इनका। जी हितेश जी, जवाब दीजिए आप जेपी धनोपिया का। ये सब कुंठा से उपजी हुई बातें हैं, बलात्कार होना, हत्याएं होना, सांप्रदायिक घटनाओं का होना, ये तो भाई इस देश में सैकड़ों सालों से हो रही हैं, इससे क्या देश खराब हो गया है क्या? भाई मैं फिर आपको कह दूं कि सरकार और देश में अंतर होता है, विपक्ष का काम है सरकार की आलोचना करना, देश की आलोचना करना नहीं है, पर राहुल गांधी देश की आलोचना करने लगे कि देश ही बेकार हो गया, कहां आते हो भाई? चलो ये तो आप धनुपिया जी जैसे बोल रहे थे भाई, ये तो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, राहुल गांधी हैं क्या? वो तो घूम रहे हैं, घुमक्कड़ हैं, उनकी वाकई में स्थिति इतनी खराब है कि बहुत बुरी स्थिति से वो गुजर रहे हैं। भाई जयपुर पहुंचे तो उदयपुर पहुंचे ये तो नेपाल से घूमते हुए आए थे, वहां से निकले तो सीधे लंदन चले गए, वो देश में ही नहीं रहते, तो देश को गाली देना ये थोड़ा अतिरेक हो जाता है, सरकारों को दीजिए, आप पक्ष में है, आपको सरकारों की आलोचना करने का अधिकार है, करना चाहिए, लेकिन भाई भारत को गाली दे देना तो समझ के बाहर है, गाली दी है, और यदि आप भारत को गाली देंगे तो कहना चाहेंगे जिस तरीके से हितेश जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है घुमक्कड़ है और लगातार घूम रहे हैं और अगर काम की बात पर आते हैं तो कोई काम नहीं करती है कांग्रेस, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इन पर? यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कुंठित हैं, अपनी बातों से परेशान हैं, हताश हैं, आज पूरा देश का माहौल देखिए कितना बिगड़ा हुआ है, और राहुल गांधी जी कहते हैं सही है, इससे पहले कोरोना के मामले में राहुल गांधी जी ने कहा था खत्म हो जाएगी कांग्रेस ऐसे में, इन सब बातों को नहीं सुनते ये लोग, उन्होंने यही तो कहा कि देश के अंदर स्थिति तनावपूर्ण है, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का काम करते हैं, जब देखो तब मंदिर मस्जिद की बात लेके आ जाते हैं, लोगों को आपस में लड़ाने की बात करते हैं, इसके सही घटना के बारे में बोल रहे हैं, कोई जो सेमिनार है सेमिनार में अपनी बात रखने में कोई बुराई है क्या? उन्होंने देश की कोई आलोचना नहीं की है, देश के अंदर भारत पार्टी के लोग नहीं, उन्होंने कहा है कि भारत पाकिस्तान से बदतर है, उन्होंने कहा है भारत को पाकिस्तान की स्थिति में खड़ा कर दिया भाजपा के लोगों ने, हाँ तो ये भाजपा मुझे बताइए क्या ऐसा है, भाजपा ने पूरा माहौल बिगाड़ दिया, पाकिस्तान और भारत की तुलना की जा सकती है क्या? वातावरण निर्मित है इतना तनावपूर्ण वातावरण निर्मित है, पूछिए आप तो बताइएगा, कल एक आदमी ने सरेआम में बुजुर्ग जेंडर को मार डाला, हमारा कहना है कि भारत और पाकिस्तान की तुलना थोड़ा होती है भैया, बाकी तोड़ देते लोगों के, तो आप पूरा माहौल तो बिगाड़ के बैठे हुए हैं, क्या हो गया मेरी समझ के अंदर, देश के अंदर हालात तो बिगाड़ के बैठे हैं आप लोग, आप बातें करते हैं सर, आप मोदी जी का विरोध करिए समझ में आता है, नहीं नहीं का विरोध करिए समझ में आता है, लेकिन भारत को आप बोलते हैं बेकार है तो ये तो समझ के बाहर है, गलत नहीं, यदि आपको लगता है भारत आपके रहने लायक नहीं है
मत रहिए आप लोगों का, चले जाइए इटली ननियाल चले जाइए अपने। आपको आपको कोई बात हुई क्या? दो आप ही आप रह जाओ। 130 करोड़ लोग बेचारे रहते हैं यहाँ पे, अच्छे से देश को चला रहे हैं, पता नहीं आप लोग क्या हो गया, सद्भाव बिगाड़ दिया आप लोगों ने यहाँ का सांप्रदायिक। राहुल गांधी को भारत ही नहीं पसंद आ रहा है, आप इस देश में पाकिस्तान ज्यादा अच्छा लग रहा है, नहीं है कोई बात हुई करने की क्या? अरे आप इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी का भगवान राहुल जी क्या कह रहे हैं शिवराज जी, ऐसा कुछ नहीं बोला राहुल जी ने, जैसा आप बोला है भाई, इनको सुनवाई दीजिए आप। स्थिति का किसने बुलाया था भाई? आप बताइए, आप भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे क्या वहाँ पे? जी 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 जेपी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हितेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और ब्रजेश हमारे साथ मौजूद थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।